शुभ दिन है, भाई दूज है। भाई दूज के इस पवित्र अवसर पे मैं सबसे पहले केंद्रीय साहित्य अकादमी का आभारी हूं। उन्होंने हमारे प्रांत उड़ीसा के सुपुत्र महान लेखक, महान साहित्यकार महापात्र नीलमणि साहू जी के कुछ चुनिंदे कहानियों की, जो हमें सौभाग्य मिला कुछ साल पहले, पिछले ही साल जुलाई 21 में हम लोगों ने किया। 21 जुलाई में उसको कोरोना के समय में एक प्रकार से गुरु बाबू की श्रद्धांजलि भी हम लोगों ने आज जैसे कुछ गुरु बाबू के अनुजाई प्रेमी साथी तथा उड़िया साहित्य के नीलमणि महापात्र नीलमणि साहू जी के जो अनुजाई है हम सब इकट्ठा है, ऐसे ही हमें सौभाग्य मिला था उसकी सिलेक्टेड सर्च स्टोरीज का उड़िया भाषा में एक किताब को लोकार्पित करने का। मैं इसीलिए आज के दिन में केंद्रीय साहित्य अकादमी का आभारी हूं। उन्होंने आज श्री साहू जी के दोनों किताब की दो भाषा में, इंग्लिश और हिंदी में इसका ट्रांसलेशन किया है। भले ही ये विद्वान साहित्यकार मेरे मानना है बुद्धिजीवी एक दूसरे से कभी सहमत नहीं होते, और सुजाता जी और मोनालिसा जी को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने हिम्मत किया। और सच में भगवान को इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल काम, और मैं जितना मेरे संज्ञान में उड़िया साहित्य में मैं महापात्र नीलमणि साहू जी को पढ़ा हूं, और सच में मैं केवल नीलमणि साहू जी का नहीं, कोई भी भाषा की और विशेष करके उड़िया भाषा की सही भावार्थ ट्रांसलेशन हो पाए इसकी एक अपनी चुनौती रहती है, लेकिन आपने उसमें पहल किया, हिम्मत किया, केंद्रीय साहित्य अकादमी ने उसको एक किताब के रूप में सामने लाया। मैं आप सभी का आभारी हूं। मैं निश्चित रूप में गुरु प्रसाद महापात्र फाउंडेशन की सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने गुरु प्रसाद जी की जो रुचि की विषय है, उस रुचि की विषय को आपने निरंतर, मैं कुड़िया के नाते मेरे मन में एक भावना सब दिन रहती थी, हमारी लोक कथा, हमारी संस्कृति, हमारी जो समझ है विषयों की, जिस भाषा में हमारे साहित्यकारों ने लिखा है, इसकी सही भावांतर देश के सामने आता तो शायद देश और अच्छा होता। ऐसे कुड़िया के नाते मेरे मन में थोड़ा बहुत अहंकार शब्द नहीं करूंगा, दम्भ भी है। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।